खबरों करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज है। समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, इसके लिए पंचकुला में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग वहां पर डॉग स्क्वाड को दी जा रही है। जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड, लेब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स को ITBP के भानु सेंटर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत में होने जा रहे G20 समिट के लिए ITBP इन केनाइन वॉरियर्स के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग करवा रही है, जिससे कि फॉरेन डेलीगेट्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। यहाँ पर हमारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है, दो 2005 से यहाँ पर कार्य कर रहा है, जिसमें CAPF के अलावा सभी पुलिस बलों के डॉग्स को हम एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग देते हैं, नारकोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि वाइल्ड लाइफ के डॉग्स भी यहाँ पर हमारे पास 6 डॉग्स अंडर ट्रेनिंग है। G20 के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ये एक्सप्लोसिव वर्क के लिए हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आए हुए हैं। अच्छा सर, कितने कहते डॉग्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या कैसी कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है? हमारे दिल्ली पुलिस से 34 डॉग्स आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए और यहाँ ट्रेनिंग की अभी शुरुआत है और बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। जो शुरुआती तौर पर सिखाया जाता है डॉग को, अभी वो चल रहा है। छह महीने का कोर्स है, 3 का बेसिक ऑबिडेंस का है और 3 मंथ्स का एक्सप्लोसिव का है। अभी हमारा 3rd वीक स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें बेसिक ऑबिडेंस कराया जाता है। ये डॉग हैदराबाद से लाए गए हैं और बिल्कुल यंग एज के हैं और नए हैं, इनका कोई किसी तरह की ट्रेनिंग का एक्सपोजर नहीं है और हम 5 माह के जब डॉग हो जाते हैं उसके बाद हम इनकी ट्रेनिंग देते हैं। हम बेसिक ओबिडेंस अभी चला हुआ है, इसके बाद इनको हम एक्सप्लोजिव डिटेक्शन की ट्रेनिंग देंगे और ये डॉग सक्षम होंगे किसी भी तरह का एंटी सैबोटेज चेक करने के लिए। हमारा 12 वीक का एक्सप्लोजिव का कोर्स होगा, जिसमें हम इनको टोटल एक्सप्लोजिव के बारे में, इनको गंद के बारे में बताएंगे। जो डॉग है, डॉग आपके एक्सप्लोजिव को बहुत दूर से सूंघ लेता है, अगर छोटी भी ट्रेसेस होता है वो बहुत अच्छे ढंग से ढूंढ लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे और जहां पर भी सेंसिटिव जगह पे हैं, वहां डॉग्स को जरूर ले आ जाता है। बिसाइड सारी चीजें हमारे पास CCTV भी हैं, हमारे पास बाकी गैजेट्स भी हैं डिटेक्शन के, क्योंकि जो डॉग जो है नेवर फेल्स। हम लोग तो इसको एक 4 लेगेड सोल्जर मानते हैं, ये सैनिकों की तरह इनको रखते हैं और सैनिकों की तरह ही इनका पूरा देखभाल किया जाता है। जहां जहां G20 समिट होना है वहां पर ये पूरे एरिया को सैबोटाइज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जिससे सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो।